ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी, रियल गैस, आइडियल गैस। रियल गैस में इंटरेक्शन है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, मोशन है मॉलिक्यूल का तो काइनेटिक होगी। काइनेटिक टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, पोटेंशियल डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, और डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे। वॉल्यूम कम ज्यादा करने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और घटेगी, समझ गए। तो हम कह सकते हैं कि रियल गैस, केमिस्ट्री पढ़ते हुए, रियल गैस की इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, जबकि आइडियल गैस की वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि पोटेंशियल होती नहीं, केवल किस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर। तो इसकी हम लोगों ने निकाला हुआ है, कल पढ़ा चुका हूं, कितनी F by 2 nR निकाल चुके हैं ना, F by 2 ये हम पढ़ते, देखो टेम्परेचर डिपेंडेंट ना बस, जबकि उसका कभी भी आएगा तो ऐसा नहीं आएगा, कुछ वॉल्यूम के फंक्शन में भी आएगा, या अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों का फंक्शन है तो प्रेशर का फंक्शन भी हो जाएगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अरे बोलो, नहीं सॉरी, रियल गैस में पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं लगता, क्या लगता है, वैन डेर वाल गैस इक्वेशन याद है, पी माइनस वी ए वी, नहीं याद है, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, पी माइनस ए, नहीं पी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर, और वी वी माइनस वी इक्वल टू एनआरटी, याद है, ये वैन डेर वाल गैस इक्वेशन रियल गैस के लिए कुछ अलग होता है। ए जो है आपस में जो इंटरेक्शन है उसको अकाउंट करता है, और बी जो है साइज ऑफ मॉलिक्यूल उसको अकाउंट करता है, मतलब मॉलिक्यूल का साइज अगर देखे, मान लो इस कंटेनर में, इस कंटेनर का वॉल्यूम बी है, तो मॉलिक्यूल को चलने के लिए जो वॉल्यूम मिला वो बी होगा कि उससे थोड़ा कम होगा, उससे थोड़ा कम होगा, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल ने जो जगह ऑक्यूपाई कर ली वो बेकार हो गई। सुना क्या सामने, फिर से बी क्या है, कंटेनर का वॉल्यूम, और बी क्या है, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। अब भाई मॉलिक्यूल है, थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम ले रहे हैं, तो हर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होने के कारण कुछ वॉल्यूम मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई कर लिया ना, तो मूवमेंट के लिए जो वॉल्यूम मिला वो तो कम मिला ना, कम मिला, समझ ले। पी प्रेशर है, लेकिन इंटरेक्शन के कारण प्रेशर का इफेक्ट थोड़ा कम हो गया, जैसे दो मॉलिक्यूल है, अगर एक मॉलिक्यूल जाकर दीवार से टकराए तो दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है, अगर इंटरेक्ट कर रहा है तो उतनी जोर से नहीं टकराएगा, थोड़ा कम टकराएगा। कहने का मतलब कि ये जो ए है वो किसको अकाउंट करता है, इंटरेक्शन के कारण, मॉलिकुलर इंटरेक्शन के कारण जो प्रेशर की कमी आती है उसको अकाउंट करता है, समझ गया क्या बोलूँ। तो ये है वैन डेर वाल गैस इक्वेशन। अच्छा, तो ये सब हो चुका है, कल पढ़ा चुका हूँ, है ना, ये बात। अब आगे बढ़ते हैं, मैंने क्या बोलता है इन दोनों के बारे में, ये क्या खास बात है इसका, बच्चों क्या बताया था, प्रोसेस डिपेंडेंट, क्या होता है ये, ये भी क्या है, इसका मतलब इसको पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रोसेस। तो हम कैसे प्रोसेस की बात करते हैं, तो हमें पहले प्रोसेस देख लेते हैं, प्रोसेस, प्रोसेस जो होगा बच्चों दो ब्रॉडर टाइम में डिवाइडेड है, एक पीवी की पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम, और दूसरा अदर टाइम। पीवी टू पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप वो प्रोसेस है जो जनरली हमारे कोर्स में यही है, ये नहीं है, कम है, आरटी में रहता तो ये हो। पीवी टू पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट में तुम ध्यान से देखोगे, एक्स इक्वल टू जीरो रखो बच्चों, एक्स इक्वल जीरो रखने पे बी की पावर जीरो कितना हो जाएगा, वन, तो पी कॉन्स्टेंट होगा ना, पी कॉन्स्टेंट मतलब कौन सा प्रोसेस है ये, एक्स इक्वल टू वन कर देते तो पीवी की पावर एक्स वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट कैसा प्रोसेस होगा, x इक्वल टू गामा एडियाबेटिक, x इक्वल टू इन्फिनिटी आइसोफोरिक, आइसोफोरिक यानी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये डिफरेंट प्रोसेस है, होने के तो कुछ भी हो सकता है x की वैल्यू, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, समझ गए। इसको कभी कभी आइसोमेट्रिक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक मतलब नो वर्क, आइसोमेट्रिक मतलब नो वर्क, और वर्क नहीं होगा तो तभी वर्क नहीं होगा जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा, तो कभी भी आइसोमेट्रिक, समझ गए। तो ये होने के लिए और भी प्रोसेस है,
जनरली जो प्रोसेस है उसको पॉलीट्रॉपिक कहते हैं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या कहते हैं? ठीक है। दूसरा जो इसके तरह से ना हो, अब इसके तरह से ना होने के बाद अब क्या p इक्वल टू 3v+4। अब ये इस टाइप का नहीं, देखो ये भी आ गया ना, ये नहीं होता तो होता, अगर ये नहीं होता तो p v की पावर -1 = 3 कांस्टेंट आ जाता, तब होता कुछ भी, p² + 3v = 7 कुछ भी, ये सारे टाइप के हैं अदर टाइप के प्रोसेस जो इनके अलावा, लेकिन अपने लेवल पे यही ज्यादा है। तो डिफरेंट प्रोसेस समझ आ गए। इसके अलावा जब प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ तो कुछ थियोरेटिकल, इन सबसे थोड़ा अलग थियोरेटिकल कुछ प्रोसेस हो सकते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ साइक्लिक प्रोसेस, क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस? जहां से चले 1 2 3 कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस जो क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस जो क्या हो सकते हैं बच्चों? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस जो जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो, तो क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। समझ गए? कोई भी प्रोसेस ऐसा जो जहां से शुरू हुआ वहीं पे, ऐसे प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। और किस में चेंज होता है? इंटरनल एनर्जी में साइक्लिक प्रोसेस। दूसरा इसके अलावा एक होता है क्वासी स्टैटिक या रिवर्सिबल, पहले कहते हैं रिवर्सिबल। मैं सारे प्रोसेस को जरा ही देता हूं ना, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसको इतने आइडियली किया जाए, इतना आइडियली कि हर पॉइंट इक्विलिब्रियम में रहे, इसमें रहे इक्विलिब्रियम में, और उसके कंप्लीट होने के बाद उसके होने का कोई भी ट्रेस ना हो कि ये हुआ भी है। कहने का मतलब आइडियल किया जाए एकदम विदाउट एनी लॉस, क्या समझे? आइडियल किया जाए कोई लॉस ना हो। राहुल सोनिया मनमोहन वाला एग्जांपल याद है? याद है मोदी जोर से धक्का देते हैं, 5 किलो का ऑब्जेक्ट एक साथ रख देते हैं, अचानक खलबली मच जाती है, और उसी 5 किलो को पहले एक छोटा सा टुकड़ा रखा, धीरे धीरे सेटल हो गया। याद है एग्जाम्पल? याद है धीरे धीरे गया और फिर धीरे धीरे वापस गया। हाँ कुछ बताया था, याद है मैंने कुछ ऐसे बताया था कि कंटेनर है, उसने राहुल सोनिया मनमोहन जी ने जल के साथ बैठे हैं, ऊपर से अचानक मोदी यानी जोर से कुछ फोर्स लगा दिया, तो ये खलबली मच जाएगी, कोई इधर भागेगा कोई इधर भागेगा, इधर भागेगा तो रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन होगा तो लॉस होगा, लॉस होगा। लेकिन इसी प्रोसेस को मैं कैसे करूँ? यही फोर्स लाखों छोटे छोटे टुकड़े में बांट दो और एक टुकड़ा यहाँ रख दो, तो राहुल सोनिया मनमोहन थोड़ा सा पास आएंगे, इतना पास कि हमें पता भी नहीं चलेगा, है ना? और फिर टुकड़ा रख दो तो और पास आ जाएंगे, फिर टुकड़ा रख दो तो और पास आ जाएंगे, है कि नहीं? और पास आ जाएंगे, सही? और इतना यानी ये कंप्रेस होता जाएगा, कंप्रेस होता जाएगा, तो ये तीनों रिलेटिव पोजीशन नहीं बदलेंगे, बस दूरी उनकी क्या हो जाएगी? कम। रिलेटिव पोजीशन नहीं बदलेंगे, दूरी कम हो जाएगी। और अगर मैं वापस इसको धीरे धीरे ऐसे ही हटाना चाहूँ, इक्विलिब्रियम कंडीशन धीरे 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 हटाऊँ बहुत स्लो, तो ये वापस अपनी जगह पे पहुँच जाएंगे जैसा पहले थे, पर इस प्रोसेस में कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या कहते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या होता है समझ में? समझे कुछ? रिवर्सिबल समझ में आता है? अब यही प्रोसेस रिवर्सिबल का मतलब तो आइडियल ही करना, रिवर्सिबल का मतलब आइडियल होता है, लेकिन ये जो प्रोसेस आइडियल के वेरी क्लोज था उसको हम क्वासी स्टैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वासी स्टैटिक, क्वासी स्टैटिक। रिवर्सिबल का मतलब था आइडियल,
लेकिन उस आइडिया को वेरी क्लोज टू आइडियल ऐसा प्रोसेस जो बहुत स्लो इनफाइनाइट स्टेप्स में करने का करें तो ऐसे प्रोसेस क्या करें समझ गए प्रोसेस एक तो छोटे छोटे एक और प्रोसेस होता है जो थोड़ा सा अलग इसको कहते हैं आइसेंट्रोपिक मतलब आइसोएंट्रोपिक ऐसा प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी में कोई चेंज एंट्रोपी में कोई चेंज ना हो ऐसा प्रोसेस कैसे होगा रिवर्सिबल और साथ में एडियाबेटिक क्योंकि हीट का ट्रांसफर होगा तो भी एंट्रोपी बढ़ती घटती है और इरिवर्सिबल तरीके से प्रोसेस करने पे भी एंट्रोपी बढ़ती है घटती है तो ना इरिवर्सिबल तरीके से करें यानी रिवर्सिबल ही करें और ना हीट ट्रांसफर करें मतलब एडियाबेटिक करें वैसे एंट्रोपी कौन सा प्रोसेस होगा एडियाबेटिक प्लस तो समझ में आ रही है सब क्या हो रहा है तो प्रोसेस सौ हजार आइसेंट्रोपिक कुछ भी अरे बनाने को थोड़ा दिमाग लगा के सो समझ के जवाब देना अगर बाई चांस आता है तो समझ के ये सारे प्रोसेस हमारे सामने अभी प्रोसेस के लिए हमें क्या पढ़ना है ही और ये हमें पढ़ना है क्योंकि वो प्रोसेस डिपेंडेंट है समझ के क्या पढ़ना है जैसे से फोटो खींचोगे डिफरेंट प्रोसेसेस हमारे सामने तुम्हारा काम क्या है यानी फर्स्ट लॉ में हमें केवल तीन ही पॉइंट को समझना है और ये वाला पॉइंट इससे ज्यादा नहीं है मतलब नहीं है कह रहा हूं नहीं है तो नहीं है इसी से क्वेश्चन बनेंगे इसे बाहर नहीं बनेंगे इसके बाहर बनेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कल पढ़ा था वो बनेंगे ये तो ये बनेगा समझ गए डब्ल्यू और क्यू पढ़ाना है प्रोसेस पहले हो गया खत्म अब अलग अलग प्रोसेस डब्ल्यू और क्यू पढ़ाते हैं ठीक चलो खत्म करना है आज ही खत्म करना है कल के लिए नहीं बचना चाहिए आज ही खत्म करना है ये सारा एक दिन में थर्मल खत्म करना है मतलब थर्मोडायनामिक्स एक दिन में उतने का ही चैप्टर है भाई उतने का ही है इसके बाद तुम चाहोगे तो मैं सेमी कंडक्टर पढ़ा सर तो आएंगे कल से पढ़ाएंगे जो सेलेसर है थर्मोडायनामिक्स वो पढ़ा दूंगा सेमी कंडक्टर तीन क्वेश्चन आते हैं हर साल तीन क्वेश्चन आते हैं वो भी दो दिन का है दो दिन में खत्म कर ठीक है ना तुम चाहो तो ऑनलाइन पढ़ा दूंगा तुम्हारी मर्जी देख लेना सर तो कल आपकी क्लास है कल सर से सर क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ा दूंगा जो भी चैप्टर बोलोगे उनको चले गए तुम लोग बोलोगे तो मैं ऑनलाइन पढ़ा दूंगा कौन सा पढ़ा है ना समराइज ही तो करना है ना कोई पढ़ना थोड़ी पढ़ना होता तो फिर एक बार ठीक है और ऑफलाइन ठीक है ऑनलाइन में अगर पढ़ चुके तो समराइज तो करना तुम लोग समराइज कर एक दिन दो दिन में खत्म हो जाए एकदम गहरे तुम इसको आज खत्म करो बस तुम एक दिन पहले आदत डालो कि हमारे पास एक ही दिन है एक चैप्टर के लिए आज ही खत्म करना है कल के लिए नहीं जाना है बस बस उतना करके देखो फिर मैं करता हूँ ठीक ये हो गया अब वापस आते हैं तो सबसे पहले अब मैं इसमें चलाता हूँ वर्क में वर्क की बात करते तो क्या तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद है किसी ओपन सिस्टम के लिए हो सकता है या क्लोज सिस्टम के लिए ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम के लिए वर्क ओपन सिस्टम के लिए वर्क करते हैं बच्चों तो इसको कहते हैं क्या आपको बताएगा फ्लो वर्क क्या कहते हैं फ्लो वर्क जैसा कि एग्जांपल क्या था कोई बताएगा कहीं कॉपी में लिखा होगा एक बार देख लिया करो बोलो बर्नौली थ्योरम का डेरिवेशन यही है पाइप ऐसे जा रहा है एक तरह से पानी को धक्का मार रहे हैं और इस तरह से निकल रहा है तो P1 प्रेशर से B वॉल्यूम को धक्का मारा और P2 प्रेशर पे भी वॉल्यूम से निकला तो नेट वर्क कितना हुआ P1B - P2 इतना वर्क हमने किया उतना उसने अपने सामने वाले लिक्विड पे करके निकल गया तो P1B - P2B तो P1B - P2B मतलब PdB फ्लो वर्क कितना होता है VdP पर्टिकुलर वॉल्यूम को P1 से लेके P2 प्रेशर पे ले गए तो VdP ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्लो वर्क लेकिन अपने कोर्स में इसका बहुत यूज नहीं फ्लो ओपन सिस्टम के लिए फ्लो वर्क क्लोज सिस्टम के लिए कौन सा वर्क तो बताएगा डिस्प्लेसमेंट वर्क क्लोज सिस्टम के लिए कौन सा वर्क डिस्प्लेसमेंट क्लोज सिस्टम के लिए डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट वर्क कैसे होता है, बाउंड्री के डिस्प्लेसमेंट से, जो बाउंड्रीज है ना जैसे पिस्टन उसके डिस्प्लेसमेंट से, और वो डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है डिस्प्लेसमेंट वर्क। एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया से डिवाइड कर दो, ये कौन है प्रेशर और ये कौन है पीडी, तो पीडीवी वर्क भी कहते हैं, पीडीवी वर्क क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्क, पीडीवी वर्क। समझ में आया, हो गया। अब वो अपने काम का उतना नहीं है, याद रखना ठीक है थ्योरेटिकल, लेकिन ये अपने काम का। अब ये जब हम निकालते हैं पीडीवी वर्क, तो पीडीवी वर्क निकालते समय यानी हमें वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीडीवी फाइंड करना पड़ेगा। अब तुम थोड़ा सा सोचो बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए क्या होना पड़ेगा, पी वी के टर्म में होगा तभी तो इंटीग्रेट होगा, पी वी के टर्म में होगा तभी तो इंटीग्रेट होगा। और पी वी के टर्म में अगर बाई चांस नहीं दिया, पी टी के टर्म क्या दिया, मतलब पी टी की पावर 0.3 इक्वल टू कांस्टेंट ऐसा दे दिया, तो इसको कैसे बदलना पड़ेगा, वी के टर्म में। फिर से पढ़ बोलेगा, मैंने क्या बोला, इंटीग्रेट ये तब होगा ना जब पी वी के टर्म में हो, क्योंकि इंटीग्रेशन में ये वी है तो ये भी वी होना चाहिए ना, तो पी को किसके टर्म में बदलना पड़ेगा, पी वी के टर्म में, दिमाग में रखो पी को वी के टर्म में बदलना। और पी को वी के टर्म में बदलने के लिए तुम्हें साथ में कुछ दिया होगा, क्या दिया होगा, इक्वेशन ऑफ प्रोसेस, जैसे पी वी के पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी टी की पावर वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कुछ भी दिया होगा ऐसा, एक दिया होगा इक्वेशन ऑफ प्रोसेस, और दूसरा क्या दिया होगा पता है, हमेशा यूज हो कर सकते हैं, पी वी इक्वल टू एनआर टी, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है। इसका मतलब कि मुझे इसको सॉल्व करना है, दैट इज मैथ्स, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक इंफॉर्मेशन दे सकता है, कौन सा, इक्वेशन ऑफ प्रोसेस, और एक इंफॉर्मेशन दे नहीं सकता, ये हमेशा है अपने पास हमेशा, जिसको मैंने फर्स्ट ईयर पढ़ाया था कहा था हेल्पर, पूछा था कि हेल्पर, हेल्पर वो हेल्पर है, हमेशा हेल्प करने के लिए खड़ा रहता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, क्योंकि आइडियल रियल गैस है ना, ये आइडियल गैस है ना, आइडियल गैस के लिए पी वी इक्वल टू एन आर टी लगता है, रियल के लिए नहीं लगता, समझ गए, तो ये हमेशा रहता है। तो मान लो पी हटाना है, तो पी को हटाने के लिए वी के टर्म में लग सकते हो, आइसोथर्मल प्रोसेस मान लो है आइसोथर्मल, तो पी को हटाना है, अरे पी को हटाना है तो क्या हो जाएगा, एन आर टी अपॉन वी, उठा के यहाँ पर रख दिया, पी कॉन्स्टेंट है, वी कंटिन्यूस कर देता हूँ। कहने का मतलब ये है, आराम से कहने का मतलब ये है कि हमें एक इंटीग्रेशन सॉल्व करना है बस, लेकिन ये इंटीग्रेशन तभी सॉल्व होगा जब पी किसके टर्म में होगी, वी के टर्म में, पी वी के टर्म में अगर है तो अच्छी बात, नहीं है तो इन दोनों का यूज करें। पहला क्या यूज करेंगे, कोई प्रोसेस दिया होगा, आइसोकोरिक आइसोबारिक डेरिवेटिव कुछ तो दिया होगा, और दूसरा क्या दिया रहेगा, पता रहेगा पी वी इक्वल टू एन आर टी, इनका यूज करके हमेशा हमेशा तुम पी को वी के टर्म में लिख सकते हो, और एक बार लिख इंटीग्रेट कर दो तो आंसर आ जाएगा, समझ गए। अब आंसर आ जाएगा, यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया। अगर तुम इंजीनियरिंग के बच्चे होते तो मैं कहता इसके आगे तुम कर लेना, लेकिन मेडिकल के बच्चे हो तो इंटीग्रेशन आएगा तो हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, हमारे पास टाइम कम रहता है, तो हम शॉर्टकट मारें, और शॉर्टकट ये है कि अगर ये निकालेंगे किसके लिए, फॉर पी वी की पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसके लिए अगर मैं ये निकालूँ सॉल्व करके निकाल दूँ तो मुझे मिलेगा एक फॉर्मूला, वर्क डन इक्वल टू पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू ओवर एक्स माइनस वन, ये मिल जाएगा, जो ये किया ना यही करके जब सॉल्व करो तो ये मिल जाएगा, इक्वेशन ये तो इक्वेशन प्रोसेस क्या किया है, और एक चीज क्या है हमारे पास है पी वी इक्वल टू एन आर टी, उसका यूज करके मैं जब सॉल्व करके निकालूंगा तो ये मिल जाएगा खत्म। ये सभी वैल्यू के लिए है इसकी एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन रखोगे तो नीचे क्या जाएगा जीरो, और ऊपर में पी वन वी इक्वल टू पी टू वी टू हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वन पे आज नॉर्मल हो जाएगा ना, तो जीरो अपॉन जीरो हो जाएगा, और जीरो अपॉन जीरो कैसा प्रोसेस है, जीरो पॉइंट जीरो कैसा प्रोसेस है, अनडिफाइंड, जीरो को जीरो से डिवाइड करना डिफाइंड नहीं, तो उस कंडीशन में ये कोई रिजल्ट नहीं देगा, तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू वन के लिए वैलिड नहीं है, तो एक्स इक्वल टू वन के लिए यानी आइसोथर्मल के लिए जब तुम वर्क डन निकालोगे तो केमिस्ट्री पढ़ा होगा एन आर टी लॉग बी टू बाई बी वन आ जाएगा, इंटीग्रेट करके तुम निकाल सकते हो, समझा पाए। अब ये अच्छा x = 1 है तो मतलब p1 v1 equal to p2 v2 equal to nrt, अरे कांस्टेंट है बच्चों, तो v ये देखो v2 / v1 v1 / v2 होगा ना, तो इसी का फार्मूला एक और बन जाएगा
एन आर टी लॉग पी वन अपॉन पी टू भी हो सकता है, याद रहेगा। तो हम से काम खत्म करते हैं, हमें क्या निकालना है, पीडीबी वर्क, क्या निकालना है, पीडीबी वर्क निकालने के लिए हमारे पास हेल्पर कौन है, पीडी इक्वल टू एनआर टी, और एक चीज और क्या देखा होगा, किस प्रोसेस में होता है, दोनों रेस करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके खत्म, स्टोरी खत्म। मैं तुम्हारे लिए सॉल्व करके आसान बनाने के लिए फॉर्मूला दे देता हूं कि उसको जब मैंने सॉल्व किया इस टाइप के प्रोसेस के लिए तो ये आया। अब ये सब में लग जाएगा अगर एक्स हमें पता है तो, एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन छोड़ के बाकी सब में लग जाएगा। इसका मतलब ये फॉर्मूला आइसोबारिक में लग जाएगा, आइसोकोनिक में लग जाएगा, डेरिवेटिव में लग जाएगा, और कोई चाहिए तो सब में लग जाएगा, केवल इसमें नहीं लगेगा, ये लगा, खत्म हो गया ना। ये है तुम्हारा वर्क, इतना ही वर्क, बस इसके बाहर नहीं आएगा। इसके बाहर आएगा तो क्या आएगा पता है वर्क का, इसके बाहर वर्क आएगा तो क्या आएगा, फ्रॉम ग्राफ, फ्रॉम ग्राफ देखे वर्क पूछे तो ये हो सकता है, वो अभी आते हैं, लेकिन अगर इक्वेशन देखे वर्क पूछेगा तो 100% हो जाएगा, प्रोसेस देखे वर्क पूछेगा तो इसी से हो जाएगा, बस इसमें एक्स रखना है आंसर आ जाएगा, समझ गए। चलो तो जल्दी से एक फोटो खींचो, अगर कोई प्रोसेस देखे वर्क पूछेगा P proportional to 1 by B है कि नहीं? इसका मतलब P V equal to constant है कि नहीं?
और पीवी का कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोथर्मल लगा दो मान लो आइसोथर्मल ना आइसोथर्मल होता है इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा एन आर ई लॉग ई टू बाई तो ग्राफ देख के और जब निकालना एक्स वैल्यू कितना होगा वन वन आते ही क्या समझ में आ गया अरे ये तो अच्छा ना सर अच्छा मैं कहूँ काम तो मुझे एक्स दो में तो आंसर देता हूँ तो मुझे एक दो में तो बन दो काम करते नहीं तो बात है ना और कोई देखो और कोई क्वेश्चन देखो मैं कहता हूँ बी स्क्वायर और पी क्यू के बीच का ग्राफ ऐसा है हाइपरबोलिक कैसा है हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक बताओ क्या होगा हाइपरबोलिक है तो हाइपरबोलिक में क्या होता है इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है ये किस टाइप का है किस टाइप का ग्राफ है x into y कांस्टेंट रैखिक ग्राफ होता है ना x into y कांस्टेंट x into y कांस्टेंट मतलब b स्क्वायर pq मस्ट इक्वल टू c तो p v की पावर 2 / 3 इक्वल टू कांस्टेंट चेक करो तो x कितना होगा तो वेक्टर कितना होगा b1 minus b2 over 2 by 3 minus सीधा तुम मुझे x दो मैं तुम्हें बता इतनी छोटी सी बात समझ में चलो जल्दी कच्चे काम खत्म करिए हो जाएगा ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन बस यही सब आते हैं तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा नहीं है कुछ समझना नहीं है एकदम खत्म किया जा सकता है बस टू द पॉइंट नाउ एक दिन का है थर्मोडायनेमिक्स किसी भी हालत में ठीक है आज खत्म कर लेना है नहीं आता पूछना है जहां पे प्रोसेस था ना वहां पे दिमाग रखो दिमाग में अगर मैं कहता हूँ प्रोसेस बहुत स्लो है तो उसको आइसोथर्मल प्रोसेस भी कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस होता है मतलब बहुत स्लो प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस होता है समझ गए और जो फास्ट प्रोसेस है वो एडियाबेटिक फास्ट प्रोसेस में हीट निकालने का टाइम नहीं मिलेगा सुनो बहुत फास्ट प्रोसेस में हीट निकालने का टाइम नहीं मिलेगा तो हीट ट्रैप हो जाएगा सिस्टम में और अगर हीट ट्रैप हो गया तो एडियाबेटिक याद रहेगा तो अगर कहीं प्रोसेस जो है ना वहाँ पे लिख लेना ठीक है जहाँ प्रोसेस है वहाँ पे क्या लिख लेना ठीक है वेरी फास्ट प्रोसेस मीन्स एडियाबेटिक वेरी स्लो प्रोसेस मीन्स आइसोथर्मल याद रहेगा तो अगर किसी प्रोसेस को वेरी स्लो कहता है तो इसका मतलब दिमाग रखो कि वो आइसोथर्मल था तो वर्क डन निकालने के लिए ठीक है ना तो ये तो हो गया वर्क फॉर्मूले से अब एक वर्क होता है क्या ग्राफ से तो अगला छोटा सा पार्ट वर्क फ्रॉम पीवी ग्राफ पीवी ग्राफ का वर्क तो इसमें दो चीज होता है एक कितना और दूसरा पॉजिटिव और नेगेटिव तो बच्चों मैंने क्या कहा तुम मुझे वर्क दो पॉजिटिव ना मैं तुम्हें हीट दूं तुम मुझे वर्क दो पॉजिटिव ना ये सिस्टम वर्क करता है तो पॉजिटिव ना अब बताओ सिस्टम वर्क कब करेगा जब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा या उसका वॉल्यूम घटेगा तो सिस्टम है अब उसका वॉल्यूम बढ़ता है तो वो वर्क कर रहा है कि हम उसके ऊपर कर रहे हैं वो वर्क अगर उसका वॉल्यूम बढ़ता है और अगर उसका वॉल्यूम घटता है तो सुना कि सबने तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या होता है पॉजिटिव वॉल्यूम फिजिक्स में केमिस्ट्री में नेगेटिव और वॉल्यूम घटने का मतलब क्या होता है नेगेटिव वॉल्यूम फिजिक्स में सही ना तो ये वॉल्यूम ये पीवी है क्या लगता है ये वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है बढ़ रहा है तो ये कैसा वर्क है पॉजिटिव वर्क समझ में आया अगर वॉल्यूम घट रहा है ऐसे तो नेगेटिव समझ में आया अरे बोलो यहाँ बताना अगर मैं ये कहता हूँ कि ये V है ये P है अब बताओ वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है वॉल्यूम पे देखना है कांस्टेंट ये देखो वॉल्यूम घट रहा है ना डेट वॉल्यूम इतना से इतना हो गया तो घटा नहीं घट रहा है ना तो घट रहा है तो कैसा वर्क लेकिन पी वी ग्राफ मतलब इसका उल्टा है देखो ये देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव इसको उल्टा कर देते रटना नहीं है सोचे देखो वॉल्यूम घट रहा है रटना थोड़ी है कि ऐसा हो गया तो उल्टा हो जाएगा देखो ना वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक जाने में घटेगा कि नहीं और अगर ऐसा जाए तो बीपी पे
वॉल्यूम बढ़ रहा है, कैसा बढ़ रहा है? और देखो ये कौन सा है, ये बदल लेंगे वॉल्यूम एक्सिस पे ये लेंगे, इधर वाले को नहीं लेंगे, वॉल्यूम एक्सिस पे ले लेते हैं, किस पे ले लेते हैं, वॉल्यूम एक्सिस, उधर वाला नहीं लेते, याद हुआ? तो एक साइन कन्वेंशन हो गया, समझ में आ गया। अच्छा इसको बताओ अगर ऐसा हो जाए तो, ऐसा जल्दी से ये बीवी है तो ज्यादा ज्यादा वर्क एक्सपेंशन में हो रहा है और कम वर्क कंप्रेशन में हो रहा है, अरे ज्यादा वर्क एक्सपेंशन में हो रहा है कि नहीं, और कम वर्क एक्सपेंशन में हो रहा है, अरे कंप्रेशन में, ज्यादा वर्क किसमें हो रहा है, एक्सपेंशन, कम वर्क किसमें हो रहा है, कंप्रेशन में, तो ज्यादा कौन है, पॉजिटिव, कम कौन है, तो नेट क्या होगा, पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव कम नेगेटिव, ज्यादा पॉजिटिव कम नेगेटिव, सोचो इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव होता तो जीरो हो जाता, लेकिन ज्यादा क्या होगा, पॉजिटिव, और कम क्या होगा, तो नेट क्या होगा, तो ऐसे अगर क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है क्लॉकवाइज बनता है पॉजिटिव, लेकिन घटना थोड़ी है, कॉन्सेप्ट से समझना है ना, कोई घटना नहीं है। और दूसरा अगर ये उल्टा हो जाए तो पीवी ग्राफ पे क्यों, ज्यादा कंप्रेशन और कम एक्सपेंशन, तो ज्यादा कंप्रेशन मतलब ज्यादा नेगेटिव, कम एक्सपेंशन मतलब कम पॉजिटिव, तो ज्यादा नेगेटिव हो गया ना नेट, समझा भाई? तो ये साइन कन्वेंशन समझ में आया, साइन कन्वेंशन, तो कन्वेंशन साइन कन्वेंशन में क्या इकाई बोली थी, मैं सिस्टम के लिए मैं तुम्हें हीट दूं तुम मुझे वर्क, तो पॉजिटिव मतलब हीट देना पॉजिटिव, वर्क लेना पॉजिटिव, उसी को आज हम किसमें चेंज कर रहे हैं, एक्सपेंशन और कंप्रेशन, किसी सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ा तो वो वर्क करेगा पॉजिटिव वर्क, और अगर घटा तो नेगेटिव, समझा मैं? उसी को बदलेंगे। और तीसरा ये कितना भाई, कितने में तो ग्राफ का एरिया चाहिए हमें, ग्राफ का क्या चाहिए, एरिया, चलो जरा देखिए तो दिमाग कितना चल रहा तुम्हारा, अगर ये पीवी ग्राफ में ये आइसोथर्मल है, क्या है, कौन बताएगा ये एरिया कितना होगा, एन आर टी लॉग वही भी बन होगा, और क्या होगा, वही तो बटन है, तो ये एरिया नहीं होगा क्या इसके बराबर, समझ गए? अगर मैं एडियाबेटिक प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, एडियाबेटिक, तो ये वन है और ये टू है, तो बटन कितना होगा, पी वन बी वन माइनस टी टू बी टू ओवर गामा, एडियाबेटिक है ना गामा, अरे वो समझे क्या, ये तो वो एरिया जो हमें पता नहीं है, लेकिन फॉर्मूला हमें पता है इसलिए वो एरिया पता चल गई, समझो खत्म करो, देखो पहला लाइन क्या बता रहा, यानी कुछ अजीब है जिसका एरिया हम निकाल नहीं सकते, तुम सोच रहे हो फिर भी कैसे कुछ है, इसलिए पूछा क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, और फॉर्मूला दे तो क्या है, समझा पाया हूँ, जबकि इसके अलावा और बताइए, सर्कुलर इलिप्स अगर सेम नहीं है तो ये इलिप्स है, चाहे वो सर्किल बना हो, तो नहीं समझे, यूनिट अलग अलग है ना, ये बी है ये क्या है, तो यूनिट अलग अलग है इसलिए क्या है, क्योंकि वैल्यू सेम ही हो तो भी यूनिट तो अलग है ना, दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, तो ऐसे में एरिया कौन बताएगा, अगर ये ए होता आधा और ये क्या होता बी होता है, तो इसका एरिया हो गया जो कि वर्ग के बराबर होगा कितना, पाई ए पाई ए बी, सुना क्या सबने, क्या करो खत्म करो, पाई ए बी सब कॉपी में लिखा है पहले भी, एरिया निकालना आता है सबको, बाकी ट्रायंगल रेक्टेंगल तो आते ही है ना, जैसे ये अगर मैं ये एरिया निकालने को बोलूं तो क्या करोगे, ट्रेपेज़ियम का एरिया या तो ट्रेपेज़ियम का एरिया या दो टुकड़े में करो ट्रायंगल और रेक्टेंगल तो गर्म होगी ना, तो बेसिक है ना, तुम्हारा ग्राफ से अगर पूछा जाए तो ठीक है, जल्दी से तो ग्राफ अगर देगा तो कितना और पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसे देगा, हो गया तो वर्क के बारे में इतनी सारी चीजें, बस वर्क की सारी क्वेश्चन हो जाएंगे इतने से, समझ गए इतने से सारे वर्क के क्वेश्चन, क्या क्या सीख लिया अभी तुमने, इंटरनल के कोई क्वेश्चन तो सब हो जाएंगे,
डिग्री ऑफ फ्रीडम का है तो हो जाएगा, वर्क का है तो हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव की साइन भी पता हो गया। अब है वर्क हो गया, ठीक है ना। जो वर्क के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है। स्टोरी सबको समझ में, ओपन सिस्टम या ओपन सिस्टम में फ्लो वर्क, क्लोज सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट वर्क। डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या होता है? पीडीवी। फ्लो वर्क क्या होता है? बीडीवी, ठीक है ना, बीडीवी। तो छोड़ो, अब यहाँ जाते हैं। पीडीवी डिस्प्लेसमेंट वर्क पहला किस प्रोसेस के लिए? पीवी टू और एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दूसरा किस प्रोसेस के लिए? अदर देन पीवी इक्वल टू, पीवी टू और एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेकिन सभी के लिए एक ही काम लगेगा, पीडीवी का इंटीग्रेशन। वो करने के लिए हमारे पास कौन कौन है? इक्वेशन ऑफ प्रोसेस एंड हेल्पर। काम खत्म। अब ये तो हो गया तुम्हारा खत्म, कॉन्सेप्ट यही खत्म। लेकिन मैं तुम्हारे लिए आसान करने के लिए फॉर्मूला निकाल देता हूँ। तो जब मैंने फॉर्मूला निकाला पी वी टू पर एक्स जनरल प्रोसेस के लिए, तो मेरा फॉर्मूला है पी वन माइनस पी टू टू पर एक्स माइनस वन। लेकिन हमने क्या देखा, एक्स इक्वल टू वन पे ये काम नहीं करता है, अनडिफाइंड आ जाता है। तो उसके लिए फिर से हमने निकाला और फिर क्या निकला, एन आर टी लॉग। इसके बाद एक लाइन, तो मुझे एक्स दो, मैं तुम्हें वर्क दूंगा। काम हो गया ही खत्म, बस। इसके बाहर कोई नहीं, इसके बाहर कोई भी नहीं। अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें समझ नहीं आता कर इतना पढ़ने के बाद भी तुम्हें नहीं समझ आता, तो तुम्हें ये नहीं कहना है कि मुझे आता नहीं है, ये कहना है कि क्या करूं कि आ जाए। इसका मतलब क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि मैं क्या करूं। वो छिपाएगा, एक्स निकालने नहीं देगा, और तुम क्या करोगे, एक्स को ढूंढोगे। तुम्हारा काम क्या है, वो छुपाएगा, वो कोशिश करेगा कि तुम्हें समझ ना आए, लेकिन तुम्हारा काम क्या है, ढूंढो एक्स को, किसी भी तरीके से एक्स निकालो। चाहे वो ग्राफ से एक्स निकालना पड़े, या कुछ और दे दे, बी टी की पावर 0.3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो एक्स की वैल्यू निकालो, पी वी में लाना पड़ेगा तब एक्स निकलेगा। यानी तुम्हारा एम क्या है, एक्स निकालना। उसका एम क्या है, एक्स को छुपाना। उसका काम क्या है, समझ गए? बस यही लड़ाई है। अब लड़ाई में जीतना है, कौन जीतेगा? क्योंकि बिना ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स ना निकले, एक्स तो निकलना ही है। लेकिन वो लड़ाई तुम्हें लड़नी पड़ेगी कि तुम एक्स कैसे निकाल पा रहे हो, से लेकिन निकालना है, इससे काम करना। अदरवाइज या तो ग्राफ का देगा, ग्राफ देगा तो मैंने बता दिया। बस सर्किल को सर्किल मत मानना, सर्किल को सर्किल नहीं, पाई ए बी, पाई ये सर्किल का ये वाला पार्ट का आधा ए, और ये वाले पार्ट का आधा बी, पाई ए बी, पाई ए इंटू बी। समझ गए? ठीक, बात हो गया। अब इसके बाद होता है बच्चों हीट। क्या होता है हीट? मैंने कहा हीट भी प्रोसेस डिपेंडेंट है, और क्यू जो होता है ना वो एम, अरे एम मोल स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टी होता है। समझ गए? अब डेल्टा टी टेम्परेचर चिन्ह तो पता ही होगा, एम मोल पता ही होगा ना। क्या पता चल जाए तो क्यू पता चल जाएगा, सी 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 स्पेसिफिक हीट। अब ये जो क्यू है वो किस पे डिपेंडेंट है? अगर एक्स निकाल दूं सी एक्स तो क्या मिल जाएगा, टू एक्स। समझा पा रहा हूं क्या? तो तुम मुझे अब फिर भाई तुम मुझे एक्स दो, यही करने वाला हूं मैं तुम्हें, ये दूंगा जिससे तुम क्यू एक्स निकाल सके, काम खत्म हो जाएगा, चैप्टर टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब फिर से मुझे सी एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स याद रहेगा। तो डेरिवेशन नहीं कराओ ना, हटाओ ना, डेरिवेशन में कॉपी में डेरिवेशन है तुम लोग देखना चाहते हो, उतना टाइम नहीं क्लास कोर्स में, नहीं चलता पड़ जाएगा। तो स्पेसिफिक सीधा हो जाएगा सी वी माइनस आर ओवर एक्स माइनस वन, कर दो सी वी माइनस आर ओवर एक्स माइनस वन। तुम्हें पता है, मतलब पहले पढ़ता है, समझ गए? ये और CB को और फर्दर लिख सकते हो R ओवर गामा माइनस R माइनस R ओवर X। ये हो गया स्पेसिफिक हीट गिवन X क्रॉस स्पेसिफिक फॉर गिवन प्रोसेस। क्या दिख रहा है? ये गामा मतलब इस रेशियो ऑफ CB बाय CB, वो तो फिक्स रहता है। तुम मुझे X दो, मैं तुम्हें CX दूंगा जिसे तुम ये। अब जैसे मैं कहूं कि स्पेसिफिक हीट
एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए एक्स कितना रखोगे बच्चों, इसको सी भी कहते हैं, एक्स कितना रखोगे इन्फिनिटी, तो क्या बचा इन्फिनिटी से डिवाइड करके आपको कितना आएगा जीरो, तो क्या बचा आर ओवर, समझे कि नहीं। अच्छा स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कौन सा रहेगा प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए एक्स कितना होता है जीरो, एक्स को जीरो रखो, आंसर बताओ, इसको सीपी कहते हैं, आर ओवर गामा माइनस वन माइनस आर ओवर माइनस वन माइनस माइनस, ये कौन है सीपी माइनस प्लस इक्वल टू, समझ गया। और इसका बहुत फेमस एक रिजल्ट हम लोग पढ़ते हैं सीपी माइनस सीबी इक्वल टू मेयर्स फॉर्मूला, समझ गए। लेकिन बच्चों इसकी दो फॉर्म है, पढ़ा तो यहाँ पे खत्म करता हूँ, दो फॉर्म, अगर अगर सीपी एंड सीबी मोलर है, क्या है मोलर यानी पर मोल है, पर मोल है, तो सीपी माइनस सीबी आर ये यूनिवर्सल हो जाएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, क्या हो जाएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, हर गैस के लिए सेम आता है 8.3 किलो जूल जो भी आएगा, समझ गए। लेकिन अगर सीपी एंड सीबी पर यूनिट मास फॉर्म ना है, इज इन पर मास फॉर्म, तब सीपी माइनस सीबी आर ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, तभी अलग अलग गैस के लिए क्या होगा अलग, ये अलग अलग गैस के लिए क्या होगा सेम, ये अलग अलग गैस के लिए अलग, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं कई बार आर बार कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस। तो अब तुम याद करो इसे सब आया है, ये याद करो सी बी माइनस आर ओवर एक्स माइनस वन, ये है के बारे में सब कुछ। तो बता सी बी ज्यादा कि सी बी ज्यादा, सीपी ज्यादा कि सीबी ज्यादा, सीपी ज्यादा, इसका मतलब हीट गिवन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर हमेशा हीट गिवन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम से, हीट गिवन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट गिवन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम से ज्यादा होगा, किसके लिए सेम टेम्परेचर चेंज के लिए, अगर एक एक समान टेम्परेचर चेंज करना है बराबर टेम्परेचर चेंज सेम करना है तो सी मतलब स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट मतलब सॉरी हीट गिवन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ज्यादा होगा और हीट गिवन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि जब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे तुम देते हो तो वर्क भी करना पड़ता है, सॉरी कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जब तुम हीट देते हो, जैसे कोई कंटेनर है ऊपर पिस्टन लिख दिया और पिस्टन के ऊपर 5 kg रख दिया, अब तुम हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा साथ में वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो तुमने दो जगह काम किया, एक हीट देना और दूसरा वर्क करना, तो ज़्यादा दो जगह हीट गई, एक टेम्परेचर बढ़ाने में और दूसरा वर्क करने में। लेकिन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे करे तो अगर मान लो पिस्टन को फिक्स कर दिया तो वर्क नहीं होगा, केवल हीट जो दोगे वो टेम्परेचर बढ़ाएगा, तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे जब तुम करोगे तो वॉल्यूम फिक्स रहने के कारण वर्क जीरो होता है, तो केवल क्या करेगा हीट टेम्परेचर बढ़ाएगा, जबकि अगर कॉन्स्टेंट प्रेशर पे करते हो तो वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता, वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है तो क्या होता है इंटर मतलब टेम्परेचर भी चेंज होता है और वर्क भी होता है, कौन बताएगा रिपीट करेगा मैंने जो अभी बोला जल्दी से, कॉन्स्टेंट प्रेशर का को फील करो, कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या होता है कंटेनर है पिस्टन है पिस्टन के ऊपर 5 kg रख दिया बस 5 kg रख दिया तो फोर्स कॉन्स्टेंट हुआ कि नहीं और एरिया भी कॉन्स्टेंट है तो प्रेशर कॉन्स्टेंट हुआ कि नहीं, पिस्टन मूव कर सकता है ये कॉन्स्टेंट प्रेशर का प्रोसेस है। लेकिन अगर मैंने वेल्ड कर दिया पिस्टन को कहीं जाने नहीं दिया वेल्ड कर दिया
अब मूव नहीं कर रहा तो वो मूव नहीं कर रहा तो वॉल्यूम क्या रहेगा कॉन्स्टेंट, तो वर्क डन क्या हो जाएगा जी जीरो। तो अब तो जो हीट होगी केवल टेम्परेचर चेंज करेगा ना, जबकि पहले वाले में जो हीट होगी वो टेम्परेचर भी चेंज करेगा और वॉल्यूम भी बढ़ाएगा और भी होगा। तो इसका मतलब कि कॉन्स्टेंट प्रेशर वाला जो है हीट वो दो जगह जा रहा है, टेम्परेचर चेंज एंड वॉल्यूम चेंज, और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वाला जो है वो केवल एक जगह जा रहा है किसमें टेम्परेचर चेंज। तो ज़्यादा कौन होगा मतलब कॉन्स्टेंट प्रेशर वाला, समझा पाया हूँ। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट बहुत सारे होते हैं हीट है ना थ्योरेटिकल। इसके अलावा जैसे होता है पी वी की पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ, क्या कर दूँ डिफरेंशिएट, तो डी पी बाई डी वी इक्वल टू आएगा एक्स पी बाई डी आएगा अगर डिफरेंशिएट कर दूँ तो, सही। तो अब तुम डिफरेंशिएट करने का टाइम नहीं है, क्या करने का टाइम रिजल्ट याद है। तो ये है dp by dv, बल्क मॉडल जो होता है वो होता है dp by dv by वॉल्यूम प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और ये है माइनस dp by dv into v, माइनस dp by dv कितना है माइनस xp by v into वॉल्यूम x समझा रहे हो। कौन है ये बल्क मॉडल, कौन है ये बल्क मॉडल, बल्क मॉडल किस पे डिपेंड करता है एक्सप्रेस, चैप्टर का नाम किस पे होता है एक्सप्रेस। तो मुझे तो मैं तो बल्क दूंगा, तो मुझे तो मैं इस पर फिर दूंगा, तो मुझे तो मैं तुम्हें बल्क मॉडल, तो मुझे तो मैं तुम्हें ग्राफ दे दूं, चैप्टर का नाम किस पे होता है एक्सप्रेस, समझ गए ठीक। इसको हम गामा कहते हैं, क्या कहते हैं गामा होता है वॉल्यूम फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम में कितना चेंज होता है, अल्फा बीटा गामा याद है, अल्फा बीटा गामा 1 2 3 तो वही गामा है। हां थर्मल क्वेश्चन का लीनियर एक्सपेंशन व सरफेस सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम वॉल्यूमेट्रिक पर है। तो इसमें तुम्हें क्या चाहिए dv / dt चाहिए ना बच्चों, क्या चाहिए dv / dt into 1 / dt, ये किसके बीच में है p और t में, मुझे किसके बीच में चाहिए p और t में, तो मैं क्या करूं p हटा दूं p हटा दूं, तो इसके बीच में ग्राफ आ जाएगा t मतलब इसके बीच में निकल जाएगा t और b में, इसको डिफरेंशिएट करके क्या निकालूं dv / dt, मानने का चांस नहीं है सही है, तो रख सकते हो तो रख लो 1 upon x minus 1 into t, ये होता है मेरे ख्याल से जहाँ पर मुझे याद है ये कौन है ये गामा क्वेश्चन का वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंस 1 upon x minus 1 into t सही। बस हो गए ये छोटे छोटे पॉइंट्स का ठीक। अब ग्राफ फोटो कीजो चीज़ें वैसे मैं निकाल दूंगा तो वैसे मैं आपको कर सकती हूँ जल्दी जल्दी, टाइम हो गया क्या थोड़ा सा और एकदम पहले भी तो रह जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स क्योंकि वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आता है, दूसरे नंबर पे सेमीकंडक्टर क्योंकि छोटे से क्वेश्चन चैप्टर से तीन क्वेश्चन आते हैं, तीन क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है समझ गए, 45 के तीन क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है समझ गए ना, खत्म हो गया। उसके अलावा 12th के पार्ट को अपनी तरफ से पढ़ते रहो, फिर 12th का पार्ट जो पढ़ा हुआ है जो अच्छा तैयार है उसको और अच्छा तैयार करो, जो नहीं आता उसको कम करो उसको मत पढ़ो, जो आता है उसको और अच्छा तैयार करो, फिर जिसकी बात करो बाकी में तो सब पढ़ना है। एजी से आता है एक क्वेश्चन जबकि वो आसानी है, थियोरेटिकल ही पढ़ना बहुत मैथ्स पर मत जाना, ऐसे ऑसिलेशन के बारे में पढ़ लेना और व्हाट लेस करें ये सब, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर कितना होता है, थोड़ी बेसिक चीज, फेजर डायग्राम बेसिक चीज है ना। आगे बढ़े, अगर मैंने इसको
अभी से प्लान बना के सही होता तो हो जाएगा, ऐसा नहीं एकदम जीरो पड़ा हुआ, याद आ जाएगा काफ़ी कुछ, याद आ जाएगा समझ गए। अब कुछ नहीं होगा बच्चों, तो कॉन्फिडेंस तो रहता है ना, ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है थोड़ा गड़बड़ कर दिया, उससे क्या होता है अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अरे थोड़ा और कर लेते तो हो जाता है। ये क्या कॉन्फिडेंस दिलाता है कि मेरी पढ़ाई जबरदस्ती में ठीक पढ़ा तो लाइफ के लिए आगे भी काम आता है, क्या समझे। अगर एकदम नहीं आया तो अंदर से लगे क्या किया था तुमने साल का, तो अपने ऊपर क्वेश्चन होते हैं, वो नहीं होना चाहिए किसी का, किसी बच्चे का ऐसा ना हो माइंड सेट ऐसा ना हो जाए कि अपने ऊपर क्वेश्चन उठे क्या रहेगा क्यों टाइम पर बात करके कुछ कर लेते, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए, लगना चाहिए कि चलो ठीक है कुछ तो किया मैं आगे और कर लूँगा, ऐसा होता क्या समझे। नहीं तो क्या होगा हर वो गलत वो है अपना कॉन्फिडेंस लूज होगा। नेक्स्ट है ग्राफ, तो क्या बताया था मैंने कैसे पीवी को बोलो पीट के टीवी बनाया, पीवी को पीट के टीवी बनाया, ये तो बता रहा क्योंकि हमें याद हो कि हमने कौन से दिन पढ़े थे, क्यों आने के लिए तो पीपी भी आ सकता है, ये पीटी हमने पढ़ा, वीटी भी आ सकते हैं, हम टीवी पढ़ रहे हैं इसलिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, कहीं उल्टा उठा के जो हमने पढ़ा वो उसमें ना चढ़ते उल्टा करा जाए तो एक फॉर्मूला पीवी को पीट के टीवी बनाए, तो देखो कितना आसान है। ये कौन सा प्रोसेस बच्चों, यहाँ पे हर पॉइंट पे पी क्या है कॉन्सेंट्रेशन ना, कॉन्सेंट्रेशन एक्स इक्वल टू कितना होता है जीरो, और ये कौन सा प्रोसेस है कॉन्सेंट वॉल्यूम, तो एक्स इक्वल टू कितना होता है इनफिनिटी, और ये होता है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल तो ये जीरो है ये वन है ये क्या है इनफिनिटी, तो गामा कहाँ होगा, गामा वन से ज्यादा होता है ना, तो गामा कहाँ होगा वन से थोड़ा नीचे, समझा पाया हूँ क्या, तो ये हो गया गामा थीटा इज इक्वल टू गामा, ये डिवाइड कर लेता हूं चार प्रोसेस चार याद हो, अरे ये तो पता ही है ना, ये भी पता है आइसोथर्मल ये होता है, बच गया कौन सा एक गामा सेट कर लो वन से कम नीचे ही होगा क्योंकि गामा वन से ज्यादा होता है, समझ गया कि नहीं कैसे बनाना है बताओ, ये कौन है x इक्वल टू जीरो, ये कौन है x इक्वल टू वन, ये होता है बच्चों आइसोपोरिक, पी टी ग्राफ में जो कर्व ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन जाती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम होती है, यानी ये x इक्वल कितना है इनफिनिटी, रटो इसको, पीटी ग्राफ में, पीटी ग्राफ में ओरिजिन से जाने वाली लाइन कांस्टेंट वॉल्यूम शो करती है, तो ये बता कि वन है ये इनफिनिटी, तो गामा किधर होगा नीचे होगा कहीं, अरे बोलो ये x इक्वल टू गामा, एक प्रोसेस दो प्रोसेस देखिए समझा पाया क्या बच्चों, मतलब देखो तीन तो पता ही है, कौन सा पता है x जीरो x वन x इनफिनिटी, क्या पता चल गया इसी तो ध्यान देना, यहाँ पे तीन पता है, ये पता है, ये पता है, वन पता है गामा थोड़ा नीचे, यहाँ पे बताओ ये कौन सा बच्चों प्रोसेस है x इक्वल टू वन, ये कौन सा प्रोसेस है तो वन है इनफिनिटी, वन के जीरो किधर होगा ये जीरो, समझा पाया ना, कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस ओरिजिन से जाएगा, तो टीवी में ओरिजिन से जाने वाला कॉन्स्टेंट प्रेशर है और पीटी में ओरिजिन से जाने वाला कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, भाई ये पी और टी दो तो इधर है तो तीसरा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ये जाएगा, रटा रटा ग्राफ सर, तो गामा कहाँ है मतलब एडमेटिक बोलो बोलो समझे कि नहीं, गामा x इक्वल टू गामा, तो समझ में बात आई एकदम, पांच पैसे का चैप्टर, ग्राफ इससे आसान कभी नहीं था मैं बता रहा हूं, इतना ही आसान है ग्राफ, क्या मतलब एकदम सिंपल, अब इसे समझ गया ना, कोई भी प्रोसेस मैं बोलूंगा तो पीवी को पीट के टीवी बनाया, पहले ये ध्यान रखना, उसके बाद ये और ये दो तो हमेशा ही मिल जाएंगे ना, और तीसरा थोड़ा सोच के मिलेगा, इसमें आइसोथर्मल, इसमें आइसोपोरिक, इसमें आइसोबारिक, समझ गए, अच्छा अब थोड़ा सा एक चीज और, इसका स्लोप क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर कौन बेस, परपेंडिकुलर कौन है बेस कौन है तो स्लोप पी बाई टी होगा कि नहीं, पी बाई टी क्या होता है जरा बताना, एन आर अपॉन बी, पी बी को बना दीजिए तो एन आर अपॉन बी, इसका मतलब जो स्लोप है वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को रिपीट करेगा कि नहीं,
स्लोप अगर कांस्टेंट है तो ये क्या होगा कांस्टेंट और ये कांस्टेंट में ये तो कांस्टेंट रहता ही ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी कांस्टेंट स्लोप स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर डिपेंड करता है सुना कि नहीं सामने और क्या बताओ स्लोप जो है डायरेक्टली एक इनवर्सली है स्लोप क्या है क्या मतलब है इसका बच्चों स्लोप बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा समझ गया कि नहीं तो क्या करना यहाँ पे ग्राफ खींचो Pt बीटा तो ये V1 है और ये कौन है V2 तो V1 V2 से बड़ा होगा क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है सुना कि नहीं समझे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम समझ में ये आने ही वाला है स्लोप बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा Pt ग्राफ और यहाँ पे बता देना ऐसे ही पहले स्लोप बताओ यहाँ स्लोप बताओ परपेंडिकुलर कौन होगा टी बोलो ना भाई और बेस कौन है और टी बाई बी क्या होता है बच्चों पी बाई एन आर अब क्या है स्लोप किसके प्रोपोर्शनल है पी के और स्लोप कांस्टेंट होता है स्ट्रेट लाइन का तो पी भी क्या होगा कांस्टेंट यानी स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा प्रेशर को कांस्टेंट प्रेशर को समझा पाए हम और स्लोप ज्यादा तो प्रेशर भी इसका मतलब अगर ये पी वन है और ये पी टू है कैसे ग्राफ पे टी वी पे तो बी पी टू विल बी ग्रेटर देन पी वन स्लोप ज्यादा तो हो जाएगा तो क्या करते फिर से सुनो आराम से कैसे बनाना है स्टोरी बनाना है वैसे बोलना है बोलते हुए टहलना है कि हमने क्या पढ़ा पीवी को पी के टीवी बनाया पढ़ना नहीं है दिमाग से करना है पीवी को पी के टीवी बनाया पीवी में पी वी जीरो इन्फिनिटी तो वन हो गया गम हो गया काम पता मुझे आता है हाँ आता है अपने दिमाग से कर सकता हूँ वहाँ कर सकता हूँ ऐसे पूछना है और जवाब खुद को देना है पीवी को पीटा 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 पी जीरो टी वन ये जीरो है ये वन है तो इन्फिनिटी कहीं पीछे होगा और गामा कहीं पीछे होगा स्ट्रेट लाइन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और स्लोप के इनवर्सली होता है स्लोप बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा टीवी बनाए पीवी को पी के टीवी बनाए टीवी टी वन वी इन्फिनिटी तो जीरो वन इन्फिनिटी तो गामा गामा बच्चा पीछे इसको मैंने पिछली बार कैसे रटाया था एडियाबेटिक को जहाज उतर रही थी एडियाबेटिक वाली जहाज पीवी में उतर रही थी याद आया मैंने क्या किया पीटा तो क्या भागने लगी भागी ना फिर कहाँ जाके उतरी टीवी में टीवी में उतर गई पीवी में उतर रही थी तुमने क्या किया था ये वाला ये लाइन याद आती है क्या याद रहता है थोड़ा थोड़ा नहीं याद है तुम लोगों को सही वाला तो नहीं तुम लोग याद नहीं है ये लाइन वो पीवी को पीट के टीवी बनाया तो जहाज उतर रही थी पीटा तो भागी ऐसे तो पढ़ाया था मैंने चलो रटाने का तरीका था वो एडियाबेटिक को रटाने का चलो फास्ट है फास्ट हो गया तो ये है तुम्हारा नाम के बारे में ग्राफ के बारे में तेरा बताना तो जल्दी से ये देखो मैं एक पीवी ग्राफ है और एक आदमी ऐसे चल रहा है तो टेम्परेचर के बारे में क्या कह सकते हो टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है पहले बढ़ रहा है घट रहा है पहले घट रहा है बढ़ रहा है क्या हो रहा है तो टेम्परेचर को जानने के लिए पहले टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा ना तो इसका ऐसे थर्मल कहाँ है पीवी ग्राफ का ऐसे थर्मल ऐसा होता है अरे बोलो क्या लगता है ये टेम्परेचर क्या है टी वन ये कितना है टी टू ये टी थ्री तो टी वन से बड़ा कौन है टी टू तो बड़ा कौन है अगर यहाँ से आओ तुम कहाँ पे हो किस टेम्परेचर पे हो टी वन अब कितने पे हो अब कितने पे हो फिर टी थ्री टी टू टी क्या हुआ पहले टेम्परेचर कम है फिर बढ़ा बढ़ने के बाद फिर से कैसे क्वेश्चन निकालते समझ में
अगर स्ट्रेट लाइन पे ऐसे चल रहे हो तो पहले टेम्परेचर बढ़ेगा फिर समझ में। तो टेम्परेचर पहले क्या होगा राइज और फिर डिक्रीज करेगा कि नहीं बताओ। अगर सेम एक्सपेंशन करें वॉल्यूम में सेम चेंज करते हैं तो वर्क किस में ज्यादा होगा आइसोथर्मल या एडियाबेटिक। एक्सपेंशन सेम कर रहा है तो कौन बताएगा ऊपर वाला आइसोथर्मल नीचे वाला एडियाबेटिक ऊपर वाला एडियाबेटिक नीचे वाला आइसोथर्मल। अभी ग्राफ बनाया था पीटी ना कौन ऊपर था कौन नीचे था कुछ बताओ फॉर सेम एक्सपेंशन के लिए। लेकिन जब देखा तो देखो जो अगर उल्टा हो तो अगर कंप्रेस किया तो क्योंकि एक्सपेंशन के था ना लेकिन कंप्रेस करोगे तो ऐसा होगा ना बोलो कंप्रेस करो तो आइसोथर्मल ये नीचे आ गया और एलिवेटिव ऊपर चला गया कि नहीं तो कंप्रेशन में क्या होगा कंप्रेशन में क्या होगा यानी जब वो देता है वर्क देता है तो आइसोथर्मल ज्यादा देता है एडियाबेटिक कम देता है लेकिन जब वो लेता है आइसोथर्मल कम लेता है और एडियाबेटिक ज्यादा देता है यानी वर्क आइसोथर्मल में विल बी लेस देन वर्क एडियाबेटिक कब फॉर सेम कंप्रेशन। समझ गया दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है अगर कंप्रेशन की बात आती है कंप्रेशन का मतलब कि हमें वर्क करना पड़ रहा है तो जब देखो कितना अच्छी चीज है जब वो हमें देता है वर्क तो ज़्यादा देता है जब वो लेने की कोशिश करता है तो कहता है थोड़ा ही चाहिए मुझे बस काम कौन एडियाबेटिक होता है देता है तो कम देता है तो याद रहेगा। और आइसोथर्मल सॉरी आइसोबारिक कहाँ है बच्चों सबसे ज़्यादा देता है और सबसे कम देता है इससे भी कम कौन आइसोबारिक देने के नाम पे सबसे ज़्यादा देता है कौन आइसोबारिक देने के नाम पे सबसे कम देता है समझा मैं याद रहेगा ये सब एक ग्राफ के रिजल्ट ये रिजल्ट ग्राफ है ये रिजल्ट ग्राफ वर्क से जुड़ा हुआ चीज है। ग्राफ में ये हमने एक साइकिल बनाया एनालिसिस का मतलब देखो जल्दी से देखो खत्म करो ए बी सी डी मैं ए बी को देखता हूँ प्रोसेस ए बी को ये बताओ ये कौन है ये सब आइसोथर्मस है ना कौन है ये सब आइसोथर्मस सही यहाँ का प्रेशर पी है प्रेशर पी है यहाँ का वॉल्यूम वी प्रेशर बढ़ के 2P हो गया या 3P हो गया जो भी हो गया वॉल्यूम बढ़ के लेट 2V हो गया
अब मैं ए के बारे में बात करता हूँ या यहाँ पे देखता हूँ, ये बताओ यहाँ पे टेम्परेचर कौन बताएगा? पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी से पी वी अपॉन एन आर हो गया, तो ये ठीक कर दिया हमने। यहाँ पे टेम्परेचर पी वी अपॉन एन आर, इसका नाम दे दिया, उसका नाम क्या दे दिया? टी। यहाँ पे बताओ टू टी, क्योंकि टू पी वी अपॉन एन आर हो जाएगा, और पी वी इक्वल टू एन आर टी लगाओ यहाँ पे, यहाँ का पी कितना है? टू पी। पी कितना है? दिमाग चला बंद हो गया थोड़े, जैसे बोलो ये होता है तो टी की वैल्यू, वहां का प्रेशर बताओ वॉल्यूम अपॉन एन आर, यही ना? तो ये टूटी नहीं है क्या? टी एस मोड टूटी है ना, ये कितना यहाँ पर बताओ 40, और यहाँ का बताओ ये भी टूटी, सही है। अब जरा इसको देखो, टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है ना, किसको लगे एनर्जी पॉजिटिव है, बॉडी का पॉजिटिव वर्क पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कैसे? एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन वर्क क्या होता है? पॉजिटिव, और वर्क भी पॉजिटिव है, यही पूछा जाता है, वर्क पॉजिटिव कि नेगेटिव, इंटरनली पॉजिटिव कि नेगेटिव, और हीट दोनों का सम होता है, तो जब दो पॉजिटिव पार्टी जुड़े तो ये भी पॉजिटिव होगा ना, यानी हीट भी क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ पर तुम कह सकते हो डेल्टा यू इसके बराबर होगा एन सी वी डेल्टा टी, दैट इज 40 माइनस 2 टी, ये पॉजिटिव है, बढ़ रहा है ना। वर्क डन बताओ, कुछ प्रोसेस वर्क डन, एन कैसा प्रोसेस है वो? आइसोबारिक ना, आइसोबारिक में पी वी वन माइनस पी टू वी टू और जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन, और पी दोनों जगह क्या है? सेम, तो पी टी पर एन आर टी ले सकते हो, तो एन आर वन पे क्या है? थी टू टी, और टू पे अपॉन माइनस वन, और ये भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, तो अच्छा है ना, नेगेटिव आएगा, और दोनों को जोड़ोगे तो हीट आ जाएगी। अगर तुम चाहो तो इस तरह से प्रोसेस एक ही हो गया काम, ऐसे प्रोसेस बी सी सी डी और डी, ऐसा अलग प्रोसेस को एनालाइज करना होता है, समझ गए? जैसे ये किया वैसे सबको एनालाइज करना होता है, सही? अब कर लोगे वो सब? जहाँ पे हीट पॉजिटिव आता है वहाँ पे हीट हमने सिस्टम को दिया है, जैसे आप बताओ टेम्परेचर घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो डेल्टा यू क्या है? नेगेटिव, और वर्क तो वही नहीं रहा क्योंकि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, तो वर्क जीरो है और डेल्टा यू नेगेटिव, तो क्यू क्या होगा? क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है? जीरो, और डेल्टा यू कितना है? नेगेटिव, तो क्यू भी क्या हो गया? नेगेटिव, तो यहाँ पे हीट क्या हो जाएगी? नेगेटिव, यहाँ पे भी तुम देखो तो हीट क्या हो जाएगा? नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे हीट क्या होगी? पॉजिटिव, यहाँ पे भी हीट क्या होगी? पॉजिटिव, देखो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो अगर मैं हीट गिवन बोलूं, क्या निकालने को बोलूं? हीट गिवन, तो तुम हीट किसका निकालोगे? डी से ए का, क्योंकि वो भी पॉजिटिव है ना, और ए से बी का, जैसे ए का ए से बी का निकाले ना दोनों को जोड़ के, वैसे ही डी से ए का भी निकाले तो हीट क्या हो जाता है? गिवन, हीट गिवन निकालने का मतलब ये है, हीट गिवन निकालने का मतलब इसमें इसमें नहीं निकालना है, इसमें निकालना है, हीट गिवन, समझा भाई? इसमें कितना होगा हीट गिवन? एन सी वी डेल्टा टी, क्योंकि वर्क तो है नहीं, समझे कि नहीं बच्चों? तो जैसे यहाँ पे क्या है, एन सी वी डेल्टा टी और वर्क डन दोनों है ना, इसमें तो वर्क हो ही नहीं रहा, तो हीट गिवन कितना होगा? एन सी वी डेल्टा टी निकालोगे। तो एक पूछा, देखो क्या मैं पढ़ा क्या हूँ, एनालिसिस ऑफ प्रोसेस, एनालिसिस ऑफ प्रोसेस में कोई भी प्रोसेस देखिए, हर प्रोसेस को एनालाइज कराएगा, पूछेगा कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव कितना, तो कब पॉजिटिव कब नेगेटिव और वैल्यू कितनी, हो गया हर प्रोसेस का, हर प्रोसेस का, ठीक है, एक चीज हो गया। डब्ल्यू नेट पूछेगा, तो नेट का मतलब क्या होगा? अंदर का एरिया, तो बताओ ये कितना है? टू बी माइनस बी, और ये कितना है? टू बी माइनस बी, आंसर बताओ, समझ गए? अच्छा, डब्ल्यू नेट हो गया। तीसरा पूछ सकता है एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी होता है डब्ल्यू कौन सा वाला? नेट, लेकिन हीट कौन सा वाला? केवल गिवन, गिवन, तो डब्ल्यू नेट पीवी और हीट गिवन जो भी निकाला हो इसका इसका दोनों का दोनों डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा आंसर, समझा पाए? यस सर, खत्म करना है ना मुझे, जैसा बोलो
फिर रह जाएगा ये, फिर पढ़ोगे कैसे? मैं थर्मल सेकंड लॉ नहीं बोल रहा हूँ, इसको तो खत्म कर दूँ, बस एक दो लाइन का और है, चलो जल्दी फास्ट 10 मिनट का और टॉपिक टाइम दे दो बस भाई। मुझे भी पता है मेरा भी गलत रहता है, बोलना बहुत पड़ता है इस चैप्टर में, लेकिन फिर छूट जाएगा, रह जाएगा ऐसे तो कम से कम ये है, देख लोगे ना फिर छूट जाएगा, देख भी नहीं, ठीक है हुआ ये सेकेंड लॉ भी पढ़ाएंगे, देख लेंगे सेकेंड लॉ में। अब छोटा मोटा बचा पूछा, देखो बचा पूछा क्या याद है तुम्हें, सीबी था एफ आर बाई टू कल, और सीपी होता है सीबी प्लस आर, सीबी प्लस एफ आर बाई आर, सॉरी एफ आर बाई टू प्लस आर, सही ना, एफ बाई टू प्लस आर, और सीबी अपॉन सीबी को हम कहते हैं गामा, अब वो सॉल्व करो तो आएगा 1 + 2/10, ये गामा। अब सीपी की वैल्यू अगर गामा के टर्म निकालना चाहते हैं, सीपी की वैल्यू, तो अभी मैंने तुम्हें पहले बताया था आप गामा निकालना कैसे आएगा इस वाले में, यहाँ से सीपी की वैल्यू गामा सीपी रख के निकालोगे तो कुछ है, यानी इसके आगे तुम जाओ तो सीपी माइनस सीपी क्या होता है आज होता है ना, तो सीपी की वैल्यू गामा सीपी रख दो और सब नहीं है, और इसे सीपी कितना आ जाएगा गामा आर ओवर गामा, ये तुम्हारे छोटे छोटे रिजल्ट, छोटे थोड़ा थोड़ा रिजल्ट बच गए थे काम का एक पार्ट का, सही। दूसरा पार्ट दो मिनट की चीज है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सेकंड बचा। दूसरा, अगर किसी मिक्सचर के बारे में पूछे, मिक्सचर के बारे में पूछे, दो चीज़ को मिक्स कर दे, जैसे एन मोल ऑफ ऑक्सीजन एन मोल ऑफ नाइट्रोजन मिक्स कर दिया, तो ऐसा कुछ पूछे तो मिक्सचर के लिए, तो उस समय सी पी ऑफ मिक्सचर N1 into Cp1 plus N2 into Cp2 upon N1 plus N2, तीन है तो और कर लेना, ये मिक्सचर का Cp निकालना, ऐसे Cp of mixture इसे N1 into Cp1 plus N2 into Cp2 upon N1 plus N2, समझ गए? ऐसे ही F of mixture भी होता है, N1 into F1 plus N1 N2 into F2 upon, ये एफ ऑफ मिक्सचर है, एफ ऑफ मिक्सचर, और चलो एफ ऑफ मिक्सचर, और लेकिन गामा ऑफ मिक्सचर एन वन गामा वन प्लस एन टू गामा टू अपॉन एन वन प्लस एन टू नहीं होता है, किसी को थोड़ा थोड़ा याद है नहीं ना, ये नहीं, यानी ये मिक्सचर वाला कॉन्सेप्ट सी पी सी बी और आर पे तो होता है, एफ पे गामा पे नहीं होता, तो फिर गामा कैसे निकालूं, गामा गामा ऑफ मिक्सचर 1 + 2/f ऑफ मिक्सचर ऐसे निकालोगे, या सी पी ऑफ मिक्सचर ओवर सी बी ऑफ मिक्सचर निकालो, दोनों से आ जाएगा, यानी सी पी ऑफ मिक्सचर आ जाएगा, सी बी ऑफ मिक्सचर आ जाएगा, गामा ऑफ मिक्सचर के लिए डायरेक्ट ना करके एफ ऑफ मिक्सचर निकाल कर लोगे, ये समझ गए, ये मिक्सचर के कॉन्सेप्ट हो गए, ये थोड़े थोड़े इधर उधर के बेसिक्स बचे हुए कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक है, मेरे ख्याल से मैक्सिमम चीज हो गई है, बाकी रिवीजन कॉपी से करोगे तो ठीक है, मैंने शॉर्ट में जल्दी से दो दिन में थर्मोडायनेमिक्स खत्म करने की कोशिश की है, सेकेंड लॉ नहीं हुआ है, सेकेंड लॉ में क्वेश्चन परफॉर्मेंस एफिशिएंसी और कारण साइकिल जब तीन चीज होती है तो देख लेंगे कभी, ये आज भी इतना ही रह लेंगे। आज के लिए इतना ही।